बाकी एक बार गाड़ी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको गाड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख भी सकते हो। और कितने भाई लोग डिमांड कर रहे थे अपाची के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तीनों पे हम लोग आज पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे कि आपको वारंटी भी मिलता है, वो भी एक साल का वारंटी मिलता है। क्या डिमांड रखा आपने? अभी ये आपको आ जाएगा 27,000 रुपये में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हो रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सेकंड हैंड बाइक की वीडियो दिखाइए, वो भी हमारे शहर पटना में। तो आज आपका भाई फिर से पहुंच चुका है व्हील होम पे, और गाड़ी के एक बार स्टॉक देखिए आप, तो पीछे आपको एक लाइन से गाड़ी दिखेगी। और यहाँ पे स्टार्टिंग रेट आज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बस आपको स्टार्टिंग में पैसे देने पड़ेंगे मात्र 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए तो दिखेगा आपको, व्हील होम पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे आज हमें फिर से गाड़ी की इंक्वायरी देने में हेल्प करेंगे शशि भैया, तो उनसे जानेंगे हर एक गाड़ी की डिटेल कि कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है, कौन से साल की ये सारी गाड़ियाँ हैं, और हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे उन गाड़ियों को अपना बनाने के लिए। एक चीज़ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, अगर आपको चाहिए इन सारे बाइक पे वारंटी, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साल भर का वारंटी मिलेगा, वो भी ऐसा वैसा वारंटी नहीं, रिटेन में आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना पीस ऑफ माइंड का गेम होने वाला है। तो जितने भी भाई लोग डिमांड कर रहे थे कि सेकंड हैंड बाइक की वीडियो दिखाइए, वो भी उनके शहर पटना में, तो आपके भाई ने वीडियो ला दिया है। तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने भाई को जरूर से बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। और थोड़ा सा इधर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको स्कूटी भी मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको नहीं सोचना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, एक बार हमारे भाइयों को हेलो कर दीजिए। हाय दोस्त, तो आज कौन कौन सी गाड़ी रहने वाली है और कितने से स्टार्टिंग होने वाली है? स्टार्ट तो आपको पहले 2018 लास्ट से गाड़ी स्टार्ट होगा मॉडल, ठीक है, और प्राइस जैसे कि आपको 72 के आसपास से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, और लास्ट जाएगा हमारे पास 30,000 का। 30,000 का, तो मतलब हर एक रेंज की गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा भाई दिखा देंगे, तो गाड़ी आप देख लीजिए कितने सारी यहाँ पे लगी हुई है। और हम लोग स्टार्ट तो आज पल्सर से ही करने वाले हैं जी। आज की हमारी पहली गाड़ी, क्या डिटेल रहने वाला है? ये गाड़ी 10,000 चला हुआ है, नया वाला मॉडल है, 150 पल्सर, ठीक है, और कट सीट जो अभी आ रहा है। बिल्कुल, अभी ये मेरे पास आएगा 72 प्लस ट्रांसफर। 72 प्लस ट्रांसफर जी। चला कितना हुआ है? चला हुआ 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। कौन से साल का आपने बताया? ये 2018 मॉडल है, 2018 का लास्ट का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये थी हमारी आज की पहली गाड़ी। अगली गाड़ी पे आते हुए इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मॉडल 2016 है, ठीक है, ये प्लेन सीट में जो आता था उस टाइम। बिल्कुल, अभी ये हमारे पास आएगा 48 के राउंड में, 48 के राउंड में, और ये चला हुआ है आपको 17,000 किलोमीटर चला हुआ है, 48,000 में आ जाएगा, 48,000 प्लस ट्रांसफर जी। बिल्कुल, तो वो चीज़ आप क्लियर रखिएगा, वो ध्यान में रखना है आपको। एक चीज़ मुझे पूछना था भैया, यहाँ से जो गाड़ी लेकर जाएंगे, कुछ काम भी कराना होगा? जिस गाड़ी में काम कराना होता है तो वो हम लोग बता के कस्टमर को देते हैं, ठीक है भैया, और जो नहीं भी कराया हुआ रहता है वो भी हम लोग बता के देते हैं, इस गाड़ी में ये खर्च होगा। ओके, फिर कस्टमर देखते हैं कि हमारे लायक गाड़ी है या नहीं। बिल्कुल, संडे का टाइम को हम लोग जो वीडियो हम लोग बनाते हैं तो संडे का दिन का होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो आप गाड़ी दिखला है वो गाड़ी नहीं है। नहीं है, तो आपसे पहले भी कोई वीडियो देख रहा है एक्चुअली, और लेने वाले आते हैं सब लेने। हाँ जी, तो ये भी चीज़ भैया ने बता दिया है जो कि बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए जानना। अगली गाड़ी में आते भैया, इसका क्या डिटेल है? ये 2015 लास्ट का गाड़ी है, हॉर्नेट, नया का दाम इसका अभी पड़ता है 1,32,000 समथिंग कुछ प्राइस है। 32,000 जी। अच्छा, और ये मॉडल अभी हमारे पास 15 का है। बिल्कुल, अभी ये आएगा हमारे पास 48,000 में आपको हॉर्नेट मिल जाएगा, नया में आता है इसका 1,32,000। किलोमीटर कितना चला हुआ है? ये चला हुआ है आपका 18,000 कुछ, 18,000 किलोमीटर चला हुआ है, मतलब लेस ट्रिप है बाइक की। अगली गाड़ी पे आते भैया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 2017 मॉडल है, ग्लैमर F5, ठीक है भैया, जो भी गाड़ी आ रहा है F5 ही आ रहा है, ठीक है भैया। उसके बाद ये मॉडल अभी बताया आपको 17 का, ये गाड़ी है 17 लास्ट, ठीक है, ठीक है, अभी ये 14,000 चला हुआ है, 14,000 किलोमीटर अभी नया के दाम इसका 92 समथिंग कुछ प्राइस पड़ रहा है, इसका ग्लैमर का 92,000 जी, ठीक है। अभी हमारे पास आएगा आपको 51,000 में आपको ये ग्लैमर मिल जाएगा, 2017 मॉडल है, थोड़ा बहुत तो अभी आने पर कम होगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन इसका रीजन बताते हैं, बहुत कम यूज हुआ है, 14,000 चला हुआ है, ठीक है, रंग रूप भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखा दीजिए, बहुत अच्छा इसका रंग रूप भी रहा है,
कुछ मैटर करता है, रंग रूप भी लोग भी देखते हैं कि गाड़ी एक्चुअल बचा है, तो कुछ बाजार के हिसाब से थोड़ा रेट टाइप हो जाए। बिल्कुल, कुछ काम इसमें कराना होगा हमें? नहीं, कुछ नहीं काम, मोटा काम तो कुछ नहीं कराना, कुछ नहीं कराना है। बिल्कुल, अगली गाड़ी भैया। ये विक्रांता है 2016 मॉडल। ठीक है, राउंड भी देख सकते हैं, मिला जुला के सब चीज़ ठीक है। अभी नया का दाम इसका 98 समथिंग प्राइस है, मतलब 1 लाख। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी ये हमारे पास आपको आएगा 38,000 में आपको विक्रांता मिल जाएगा। बहुत डिमांड में थी जब ये आई थी। अभी एक और अभी विक्रांता है जैसे कि अगला वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी चीज़ हम लोग अभी दिखाएंगे। चला कितना हुआ अभी ये? चला हुआ है हमारे पास 24,374 किलोमीटर चला हुआ है। अगली गाड़ी भैया अपाची, डिमांड इसकी कितनी आती है भैया, थोड़ा हमारे भाइयों को बताइए। अपाची तो पहले बताया कि अभी आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल मार्केट में मिल नहीं रहा है। हाँ जी, और सेम उसी कहानी है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का हाल है इसका। ठीक है, ये स्प्लेंडर दोनों एडवांस अभी में चल रहा है बाजार में। हाँ जी, ये मॉडल है 2017 का, 2023 गाड़ी है। अच्छा, और नया के दाम जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि क्या है इसका। बिल्कुल, हमारे पास ये आपको आ जाएगा 62 के अराउंड में। 62 के अराउंड जी। किलोमीटर कितना? किलोमीटर 23,000 चला हुआ है। 23,000 किलोमीटर चला हुआ अपाची आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे व्हील होम पे लगा हुआ है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं सोचना है। अगली गाड़ी पे आते भैया, इसके बारे में हमें बताइए। ये ग्लैमर है, 2016 मॉडल। ये चला हुआ है 41,000। जैसे कि बहुत कस्टमर को कंप्लेन होता है कि सेल में जा रहा है तो किलोमीटर कम बेसी किया जाता है, तो जो गाड़ी 14,000 चला है ये गाड़ी 41,000 चला हुआ है। 41,000 चला हुआ है, और ये अभी हमारे पास आपको आ जाएगा 42 के राउंड में। ठीक है, 42,000 ठीक है, प्लस ट्रांसफर ऐड होगा उसमें। हाँ जी, तो 42,000 में आपको मिल जाएगा 2016 का आपने बताया जी। ठीक है, बैठिएगा तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा भैया। अगली गाड़ी पे आते हैं, इसके बारे में बताइए। ये गाड़ी 2011 मॉडल है, सीधी साइड। ठीक है भैया, गाड़ी बिल्कुल दिख रहा है जैसे आया उसी तरह खड़ा है। बिल्कुल, हम लोग संडे के बाजार में। बिल्कुल है ना। हाँ जी, तो इस गाड़ी में थोड़ा बहुत खर्च होगा, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत खर्च होगा, लगभग 1,000-1,500 इसमें खर्च करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं, किलोमीटर की अगर बात करें भैया, कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ है 37,885 किलोमीटर। 37,885 किलोमीटर चला हुआ है, 2011 का गाड़ी है भैया, होंडा का साइन नहीं है। क्या डिमांड रखा आपने? अभी ये आपको आ जाएगा 27,000 रुपये में। तो होंडा साइन आपको मिल जाएगा 27,000 रुपये में। आप देख भी सकते हो गाड़ी की कंडीशन। अगली गाड़ी पे आते हैं भैया, इसके बारे में बताइए। ये SP साइन है, SP 2017 मॉडल। ठीक है भैया, और ये गाड़ी अभी मेरे पास आपको आ जाएगा 48 के राउंड में। 48 के राउंड में, नया में क्या निकाला है इसका? नया का 92 समथिंग प्राइस है इसका। 92 जी। 48,000 में आपको यहाँ पे मिल रहा है। किलोमीटर कितना चला हुआ है? किलोमीटर ये 13,000 समथिंग कुछ चला है। ठीक है, 13,000 किलोमीटर चला हुआ है। अगली गाड़ी पे आते हैं, आज बहुत सारी गाड़ी हम लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप लोग की जो डिमांड आ रही थी ना कि और ज़्यादा गाड़ी दिखाइए, कंप्लेन कर रहे थे आप लोग की कम गाड़ी दिखा रहे हैं, तो भी आज दिखा रहे बहुत सारी गाड़ियाँ। इसके बारे में डिटेल, ये गाड़ी 2016 का सिटी साइन। ठीक है, और ये अभी हमारे पास आपको आ जाएगा 38 का राउंड में। ठीक है, प्लस ट्रांसफर आएगा। ठीक है, 23,000 5 किलोमीटर समथिंग चला हुआ है। बिल्कुल, मतलब 23,000 के आसपास में चला हुआ है। जी जी, अभी आपका आएगा ये 38 प्लस ट्रांसफर। बिल्कुल, 38,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। ये भी तो होंडा साइन है भैया। बिल्कुल, ये भी होंडा साइन ही है, फिर एक गाड़ी लगी हुई है भैया, इसके बारे में विक्रांता है 2017 मॉडल। बिल्कुल, फोर में गाड़ी है। ठीक है भैया, रंग रूप भी इसका बहुत अच्छा है। ओके, जैसे कि आपको नया का रेट बताया आपको 98 समथिंग प्राइस है इसका। अभी ये हमारे पास आपको आ जाएगा 48 के राउंड में ये वाली आपको गाड़ी मिल जाएगी। चला कितना? चला हुआ ये गाड़ी 16,130 किलोमीटर। ठीक है, तो वो भी भैया ने बता दिया। स्कूटी भी लगी हुई है? हाँ, इसके बारे में कम रेंज का स्कूटी लगा हुआ है। कम रेंज का? ठीक है, क्या डिटेल है? ये 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल में। अभी नया के दाम जैसे पता होगा 82 या 83 समथिंग प्राइस इसका पता है नया का। अभी ये हमारे पास आपको आ जाएगा 27,000+ ट्रांसफर। 27,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, 82,000 नया में रेट। चला कितना हुआ भैया? चला हुआ ये हमारे पास है 32,882 किलोमीटर। ठीक है, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी चला हुआ है जेन्युइन चला हुआ है। और जो बता के यहाँ से दिया जाएगा वही चीज़ रहेगा। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, जैसे कि गाड़ी का जो रेट होता है उसके अलावा ट्रांसफर का जो पैसा होता है, यह मनमाना लोग जैसा समझ में आता है उसे मांगता है। बिल्कुल, जबकि जेन्युइन खर्च वहाँ पर DTO में 2500 रुपया आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और अभी कुछ नियम सर्कुलर जो आया है DTO का, जैसे कि चेसिस प्रिंट
ठीक है, आगे पीछे का नंबर प्लेट का फोटो आप एक ही कार्ड में करवा के जो परचेजर है वो भिजवा के देंगे दुकान में। ठीक है, तो कुछ लोग ये बात जान लें कि क्योंकि ये नया सर्कुलर आया है और आपके लिए भी बहुत अच्छा बात है कि इंजन नंबर 34 नंबर आपको मिला के आपको दिया जाएगा और डायरेक्ट GTO से आपका कंसल्ट हो जाएगा फोटो आपको देने से। ठीक है, तो ये भी चीज़ भैया ने बता दिया और 2500 रुपये मात्र लगता है। हाँ, ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे एक और भैया स्कूटी लगी हुई है, इसका क्या डिटेल रहने वाला है? ये 2011 मॉडल का प्लेजर है। ठीक है भैया, और चला हुआ ये 27,000 कुछ किलोमीटर है। 27,000 अभी हमारे पास, ये मात्र 22,000 का है। 22,000 में आपको ये वाली स्कूटी मिल जाएगी। तो स्कूटी अगर चाहिए, बजट आपका लो है, थोड़ा सा कम पैसे आपके पास, 22,000 में आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी 2011 मॉडल। इसमें भैया ऐसा तो नहीं होगा कि चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी गाड़ी चेक करते हैं जैसे कि पहले भी हमने बताया है। बिल्कुल, और 7 साल का अंदर का कोई अगर गाड़ी हमारे पास लेता है ना, तो फिर उसमें 1 साल का वारंटी मिलेगा जो पेड सर्विस होगा और कंपनी में होगा। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, जो आप सर्विस की बात कर रहे हैं वो आप करा के देंगे या फिर कोई कंपनी से आप करवा रहे हैं? जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको, 500 का वो परचेज करना होगा वारंटी, जो 7 साल का अंदर का गाड़ी है। ओके, किलोमीटर के साथ साथ में पंचिंग होगा आपका। ठीक है भैया, है ना, और इंजन आपका चेक होगा उसी समय। ठीक है, किलोमीटर आपका डला जाता है। बिल्कुल, डलाने के बाद फिर वो शोरूम में जा करके मतलब सर्विस सेंटर में जिस कंपनी का गाड़ी लेगा उस कंपनी में जाकर सर्विस कराएगा। अच्छा, और नया का तेरा भी वो अगला डेट देगा आपको। बिल्कुल, 4 पेड सर्विस होने वाला है। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर में इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बना के देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी। ठीक है, तो मतलब किसी का अगर होंडा का गाड़ी है तो होंडा के सर्विस जाना होगा। जी, बिहार के कोई भी कोना में कहीं भी अगर जाना हो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हो कि सेकेंड हैंड बाइक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको कहीं पे वारंटी मिल रहा है, वो भी 1 साल का। जी, इंजन का वारंटी मिल जाएगा। जी, उधर भी ये कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है। हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो इस ओर भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले लेते हैं शशि भैया से। तो पहली गाड़ी तो भैया ये है FZS, क्या डिटेल है? 2.0 है ये। 2.0 है, ठीक है। ये अभी हमारे पास 18 मॉडल है। 18 मॉडल, हाँ, अभी हमारे पास ये आपको आ जाएगा 65 के राउंड में। 65 में, अगर कोई नया लेने जाए कितना देना पड़ेगा इसे? अभी इसको देना पड़ेगा आपको 1,33,000 समथिंग कुछ। 1,33,000। जी, ठीक है। ये मॉडल आ रहा है शोरूम में, लेकिन अभी जो नया वाला जो आ रहा है छोटा हेडलाइट वाला, उसका ये प्राइस हमने बताया आपको। ठीक है, ये भी चीज़ भैया ने बता दिया। आगे एक और लगी हुई है भैया, हीरो की ये पैशन प्रो है। ठीक है, क्या डिटेल है भैया इसका? ये 2012 मॉडल है। 2012 का मॉडल है जी, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये आपको आ जाएगा 30+ ट्रांसफर 30,000 में। जी, कौन से साल का आपने बताया? 2012 मॉडल। 2012 मॉडल पैशन प्रो है, 30,000 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हील होम पे, जैसा कि ऊपर बोर्ड भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगली गाड़ी पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए आप। ये एक्टिवा 125 है। एक्टिवा 125, अच्छा। इसमें नॉर्मल स्कूटी से इसमें थोड़ा ज़्यादा है पावर, ज़्यादा होता है। हाँ, अच्छा। इसमें बाइक का शॉकर होता है। ठीक है भैया, देखिए अभी जैसे कि मॉडल 18 है मेरे पास। बिल्कुल, अभी नया माप जाएगा लेने के लिए, तो इसका अभी 90 समथिंग प्राइस इसका पड़ता है, 90,000 से ज़्यादा। हाँ, 125 का। बिल्कुल, और अभी मेरे पास आपको आ जाएगा 54 के राउंड, 54,000 में आपको मिल जाएगा, मतलब 40,000 रुपये का डिस्काउंट इससे मिल रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारी आज की आखिरी स्कूटी, क्या डिटेल रहने वाला है? ये 2018 मॉडल है। ठीक है, ये 13,000 चला हुआ है, डिजिटल मीटर वाला DO है ये। बिल्कुल, अभी शोरूम में इसका आप अभी नया का प्राइस अभी जाइएगा जानकारी इंक्वायरी करने के लिए, तो अभी ये आपको आएगा 85 के राउंड में। 85 के राउंड में, ठीक है। आपने क्या रेट रखा? अभी हमारे पास ये आपको आ जाएगा 51,000 का। 51,000 में, तो ये वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी 51,000 रुपये में। 85,000 रुपये शोरूम में आपको देना पड़ेगा अगर आपको ये वाली स्कूटी लेनी हो तो। आपने 51,000 बताया, थोड़ा बहुत आने पे कम हो जाएगा? हाँ, 1,000-1,500 जो संभव होता है हम लोग करते हैं। बिल्कुल, तो आप आइएगा तो बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आए हो, तो थोड़ा बहुत आपका सम्मान जरूर रखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात होगी गाड़ियों की, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जो भी यूट्यूबर लोग हैं जो हमारे यहाँ वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं अंकित भाई बोले या मटर गस्ती बोले, ये लोग भेजे हैं गाड़ी लेने के लिए। बिल्कुल, तो स्पेशल हम लोग छूट देते हैं अपने तरफ। ओके, तो वो चीज़ आपको स्पेशल थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आकर आप जरूर से बताइएगा। तो ये तो भैया गाड़ी के डिटेलों की बातें हो गई, क्या एड्रेस पड़ेगा भैया यहाँ का? जैसे कि अभी हम बताए आपको पटना के हम लोग नज़दीकी में है, पटना जंक्शन का। ठीक है, हमारे शॉप पे आने का दो रास्ता है, एक है एग्जीबिशन रोड से आने का। बिल्कुल, एक पीछे है आपका CDO बिल्डिंग जो इधर नज़दीक पड़ेगा। मेन लोकेशन है RK भट्टाचार्य रोड, RK बल्द होटल के कैंपस में। ठीक है, ठीक है, इधर से आप आएंगे तो 5 मिनट में आएंगे, उधर से आएंगे तो घूम के आना होगा तो 10 मिनट आपको लगेगा। बिल्कुल,
अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस की बात करें तो व्हील होम पड़ता है आरके भट्टाचार्य रोड में, नंद होटल के कैंपस में। बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो बात है एड्रेस की, गाड़ियों की। तो आपने देखा कि एक बार फिर से हमें शशि भैया ने बहुत अच्छे से इंक्वायरी दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि भैया, बहुत अच्छे से इंक्वायरी दिया आपने। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने भाई को जरूर से बताना कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलिए हमारा बनाया हुआ वीडियो आप भाइयों को पसंद आ रहा है। और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही सेकेंड हैंड बाइक कार की वीडियो लाते रहता है। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। एड्रेस और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। वैसे शशि भैया से मैंने पूछ के बता ही दिया था आपको। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हो रोमिंग बर्ड चैनल को। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।